क्या द रॉक आने वाले एलिमिनेशन चेंबर के बाद एंड सेमी जेन के साथ होने वाला बड़ा कांड, वीडियो काफी ऑसम रहने वाली है। होप करूंगा आप शुरू में इसे द ब्लड लाइन का नाम कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि ब्लड लाइन दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर में वो चीज करने वाली है जो कि किसी ने नहीं सोची थी। रॉ की बात कर लेते हैं, इस हफ्ते की रॉ की रेटिंग दोस्तों सामने निकलकर आ चुकी है, जहां दोस्तों व्यूअरशिप हल्की सी घटी है। लास्ट वीक दोस्तों व्यूअरशिप 1.86 मिलियन थी, इस हफ्ते दोस्तों घटकर 1.812 मिलियन रह गई है। रीजन की बात करूं तो मेन रीजन मुझे क्या लगा कि इस हफ्ते की जो रॉ थी ना उसका मेन इवेंट दोस्तों महिलाओं का था, जो कि दोस्तों ज़्यादा अच्छा नहीं था। ओवरऑल बात करूं रॉ काफ़ी डिसेंट थी, जहां दोस्तों सेमी एंड कोडी का सेगमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा, लेसनर की भी पिटाई हुई है, लेकिन जो मेन इवेंट है ना इसके चलते रेटिंग काफ़ी घटी आई है। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी सेकेंड न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल के रिटर्न से। तो गाइस बात की जाए कि क्या अपडेट है, तो मैट रिडल ने दोस्तों अपने रिटर्न को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके अंदर दोस्तों अपनी माशूक यानी मिशा के साथ दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीवन एंड स्पेशली माय गर्ल मिशा, आई लव यू एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द वो हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, जल्द दोस्तों हमें मैट रिडल का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर रिडल लौटने वाले हैं तो इसका मतलब साफ है कि रैंडी भी लौटेंगे, क्योंकि रैंडी एंड रिडल का शायद एडब्ल्यू वाले प्लान कर रहे हैं कि साथ में रिटर्न करवाया जाए। यहाँ दोस्तों मैं चाहूंगा कि फिर से आर के ब्रो बने एंड दोस्तों फिर से इनके कंधे पर टैग टीम चैंपियनशिप हो। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, तो सेथ रॉलिंस दोस्तों अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हुए नजर आए हैं रॉ के बाद। तो इस बारी के रॉ के बाद हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी और उनमें से दोस्तों सेथ रॉलिंस का भी सेगमेंट था। सेथ रॉलिंस ने अपने सेगमेंट के बाद एक बच्चे को जाकर सर पर किस किया है। रीज़न रहा दोस्तों उस बच्चे का पूरे शो को देखना, सेथ जाकर उसकी माँ को ये चीज़ कहते हैं कि आपके बच्चे ने पूरा शो देखा है और ये जगह रहा जिसके बाद वो उन्हें किस करते हैं, जिससे पता चलता है कि सेथ रॉलिंस कितने अच्छे सुपरस्टार है, दिल से बहुत अच्छे हैं। हाँ कर्म उनके थोड़े से कभी कभी ख़राब रहते हैं, लेकिन इस वक्त दोस्तों सेथ रॉलिंस वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस बंदे की जिसने सेथ की बेइज्जती की, तो विंस रूसो पूर्व WWE राइटर के अनुसार आई एम सिक ऑफ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, मैं उसके इस गिमिक से परेशान आ चुका हूँ। तो सेथ रॉलिंस का दोस्तों सब कुछ अच्छा लगता है, उनका गिमिक कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं बताया कसू, लेकिन विंस रूसो के अनुसार वो उनके इस गिमिक से काफ़ी परेशान है। वो चीज़ बोले हैं कि ये लाइव इवेंट में होना चाहिए, ये टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिस तरीके से वो गाना वाना गाता है और अजीबोगरीब कपड़े पहन कर आता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जॉन सीना से। जॉन सीना दोस्तों रूमर्ड हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए, रीजन है दोस्तों उनके होने वाले ओपोनेंट ऑस्टिन थ्योरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ऑस्टिन थ्योरी एंड जो सीना है उनका मैच कंफर्म हो गया है। अगर आपको नहीं पता आपको फिर से बता दूं, इनका मैच दोस्तों रेसलमेनिया के लिए कंफर्म हो गया है। अभी से ठीक दो हफ्ते पहले दोस्तों दवात चढ़ गई है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एंड जो सीना है वो फेस करने वाला है ऑस्टिन थ्योरी को। इस चीज़ के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है कि ये चैंपियनशिप के लिए होगा या फिर नहीं, लेकिन हाँ सीना वहाँ अवेलेबल होंगे, जिसका मतलब साफ है कि देयर इज हैवी पॉसिबिलिटी कि आफ्टर द एलिमिनेशन चेंबर हमें सीना वहाँ देखने को मिले। हो सकता है कि एलिमिनेशन चेंबर में ना हो, लेकिन उसके बाद जो रॉ रहेगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट मंथ कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है, यहाँ दोस्तों हम लोगों को सीना आफ्टर द एलिमिनेशन चेंबर देखने को सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़ी है उन टैलेंट से जो कि दोस्तों 2024 में AEW के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। तो फैंस चाहते हैं कि जो जो सुपरस्टार्स AEW में जा रखे हैं WWE के वापस आए, तो उनकी दोस्तों लिस्ट सामने आई है। तो अंद्रादे सियान अल्मास दोस्तों जून 2024 में AEW को टाटा बाय बाय कह देंगे, और मुझे लगता है दोस्तों WWE में डेफिनेटली लौटने वाले हैं, क्योंकि ट्रिपल एच उनके काफ़ी अच्छे मित्र हैं। फिर डेनियल ब्रायन जो कि जुलाई 2024 में कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो बैठेंगे AEW से, और मुझे लगता है कि डेनियल सन भी यानी कि हमारे डेनियल ब्रायन भी लौट आएंगे। फिर कैनी ओमेगा है जो कि फैब में, फिर कीथ ली है 2024 के एंड में, फिर मैट जैक्सन 2024 में जनवरी में, MJF है दोस्तों जनवरी 2024, एक ऐसा दोस्तों बंदा जो कि इस वक्त AEW पर राज कर रहा है और जिसे WWE भर भर के भी पैसा दे सकती है। तो दोस्तों फिर है निक जैक्सन और समुआ जो है बिगिनिंग ऑफ 2024। तो बड़े बड़े नाम दोस्तों 2024 की शुरुआत में दोस्तों AEW से अपना कॉन्ट्रैक्ट खो रहे हैं, यानी कि ब्रीच हो रहा है उनका, और WWE इन सभी को
ला सकती है अपनी कंपनी में, देयर इज हैवी पॉसिबिलिटी। बात की जाए दोस्तों उस बंदे की जो कि जल्द आपको चैंपियन बनते हुए नजर आएगा, तो नाम है जिंदर महल, मॉडर्न डे महाराजा। काफी समय से चैंपियन नहीं बने, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि जिंदर महल के कंधे पर चैंपियनशिप आ सकती है। तो हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जिंदर महल दिखाई दिया एनएक्सटी में, एंड वहाँ उन्होंने ब्रॉन ब्रेक को चैलेंज कर दिया। लेकिन इस सेगमेंट में जो खास चीज़ हुई है वो ये कि ब्रॉन को बू मिलना स्टार्ट हो चुकी है, ब्रॉन ब्रेकर शख्स के नारे लगने चालू हो चुके हैं, जैसे कि पास्ट में ट्राइबल चीफ के साथ हुआ था जब वो काफ़ी ज़्यादा बेबी फेस हो गए थे। सेम सिचुएशन आ चुकी है ब्रॉन के केस में, और यहाँ दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स की माने देयर इज हैवी पॉसिबिलिटी कि जिंदर महल उनका तख्ता पलट कर दे। नेक्स्ट वीक दोस्तों इनका मैच होने वाला है WWE अनडिस्प्यूटेड NXT वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और मुझे क्या लग रहा है वहाँ जिंदर महल जीत भी सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। देखो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने सेमी जेन से। तो सेमी जेन ने दोस्तों एक मीम शेयर किया है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वो मैस्कॉट के जैसे दोस्तों दिखाई दे रहे हैं और खुद को दोस्तों बता रहे हैं कि वो उनके जैसा है। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने स्पाइडर मैन वाला जो मीम है वो शेयर किया है। बट सेमी जेन क्या जीतने वाले हैं? क्या वाकई में सेमी जेन, जिन्हें बहुत से लोग जोकर मानते हैं, क्या वही सेमी जेन जो कि काफ़ी समय से अंडर यूटिलाइज्ड है, क्या वही सेमी जेन जो कि काफ़ी सालों से दोस्तों चैंपियनशिप नहीं जीते हैं, क्या रोमन रेंस का तख्ता पलट कर सकते हैं? तो बताया जा रहा जी नहीं, डब्ल्यू वाले की प्लानिंग कुछ और ही है। डब्ल्यू वाले दोस्तों प्लान कर रहे हैं कि रेसलमेनिया में ओवंस एंड सेमी फेस करे उसोस को अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स के। और ऐसे में दोस्तों जो चीज़ें हैं वो ये निकल कर सामने आ रही है कि उसोस वहाँ आएंगे मैच के अंदर दोस्तों दखल अंदाजी करेंगे, जिसके चलते सेमी वहां हार जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों ओवंस आकर सेमी की मदद करेंगे और आगे जाकर दोस्तों आपको रेसलमेनिया का बिल्ड देखने को मिलेगा। यहां दोस्तों जो मैच है वो लगभग कंफर्म बताया जा रहा है रेसलमेनिया के लिए, जो कि सेमी का होगा, बट वहां वो ओवंस के साथ मिलकर उसको फेस करेंगे। तो ये सिनारियो होने के काफी हैवी चांसेस है। बात कर लेते दोस्तों आज की सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे पॉल हेमन के डिस से। तो पॉल हेमन ने दोस्तों कोडी को डिस कर लिया है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीर दोस्तों उन्होंने देर रात ट्विटर के ऊपर डाली है, और इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि कोडी के माइंड में एक बंदा स्ट्रक कर रहा है, और ये जो बंदा स्ट्रक कर रहा है कोई और नहीं ट्राइबल चीफ है। कुल मिलाकर दोस्तों एक कार्टून शेयर किया है पॉल ने और लिखा है कोडीज नाइटमेयर। कोडी दोस्तों खुद को अमेरिकन नाइटमेयर बताते हैं, और उनका नाइटमेयर बताया है रोमन रेंस को। वेल मैच दोस्तों इनका रेसलमेनिया में होने वाला है, और यहाँ बात की जाए पॉल है कि पॉल ने दोस्तों इससे पहले कोडी को नकाम बेटा बताया था, यहाँ दोस्तों फिर से उन्होंने शॉट लिया है। कोडी दोस्तों आगे जाकर ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि रोमन को बाद में मारे, पहले पॉल हेमन को ही मारे। बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द रॉक से। तो द रॉक का रिटर्न एलिमिनेशन चैम्बर के बाद क्या पॉसिबल है, और कौन बंदा है जो कि चाहता है द रॉक को कि वो इस वक्त रेसलमेनिया का पार्ट हो? तो कोडी स्वयं जो कि रॉयल रंबल विनर है, ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर द रॉक जो है पार्ट होता है रेसलमेनिया काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। द रॉक नहीं लौटा, वो ये चीज़ बोले द रॉक नहीं लौटा, लेकिन हम चाहते थे कि हॉलीवुड में वो आए, क्योंकि ये कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया रह सकता है, बेस्ट ऑफ बिजनेस रह सकता है। अगर द रॉक से पहले बड़े बड़े लेजेंड्स जैसे कि हल्क वगैरह नहीं होते तो द रॉक भी ना होता। अगर द रॉक आते हैं तो इससे हमारा ही भला होगा, वो द रॉक को किसी भी तरीके से दोस्तों देखना पसंद करेंगे रेसलमेनिया में। वो बोले हैं किसी भी तरीके, किसी भी सेटिंग में वो चाहते हैं कि द रॉक हॉलीवुड में जो होने वाली रेसलमेनिया उसका पार्ट हो, उन्हें उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इवन आगे वो क्या चीज़ बोलेगी, अगर सेमी भी मेरे मैच में ऐड हो जाता है तब भी मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट को फेस करना चाहता हूं। तो कोडी दोस्तों मेरी बात की परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। अगर ट्रिपल एच को उनका आइडिया अच्छा लग जाता है ना, तो समझो कोडी की लंका लगी। इस वक्त दोस्तों कोडी एक सिंगल्स कंपटीशन में ट्राइबल चीफ के खिलाफ, जो कि उनके लिए काफ़ी सही रहेगा, बजाय इसके कि वो किसी ट्रिपल थ्रेट में इन्वॉल्व हो। वीडियो आज की इतनी सी। सवाल ये रहेगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कोडी के कितने परसेंट चांस है रेसलमेनिया में ट्राइबल चीफ को हराने के? कॉमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी सी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ बकाया।